कहते हैं नया साल नई उम्मीद लेकर आता है, नए सपने, नया जोश और कुछ नया करने का जज्बा। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लें, कुछ चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी अपने माजी से पीछा छुड़ाना नामुमकिन होता है। मेरा नाम है अंकन बोस और आप सुन रहे हैं भय ओरिजिनल्स का न्यू ईयर स्पेशल दस्तक। एश्रे में जलती हुई उस आखिरी सिगरेट से उड़ते हुए हल्के से धुएं की चादर में लिपटा आधी खाली विस्की का ग्लास पड़ा था और टेबल पर जलती वो पुरानी सी टेबल लैम्प की हल्की सी रोशनी में डायरी की पन्नों में कुछ अधूरी लाइनें नजर आ रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी और जलती बुझती उस टेबल लैम्प की फड़फड़ाती हुई रोशनी के बीच समीर टेबल पर लिखते लिखते ही सो गया था। कई सालों से वो राइटर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और अपना छोटा सा शहर पीछे छोड़ अब दिल्ली में रह रहा था। 31 दिसंबर की रात थी और कुछ ही देर में नया साल हम सबकी जिंदगी में आने वाला था कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। समीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके कमरे में उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, जैसे कि उसकी आंखों को किसी ने पतली सी चादर से ढक रखा हो। शायद कुछ ज्यादा ही पी ली थी उसने उस रात। उसने टेबल पर अलार्म क्लॉक को हल्के से अपने हाथों से उठाया और टाइम चेक करने लगा। अरे यार, इस टाइम कौन आया है, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। उधर दरवाजे पर एक बार फिर से किसी ने दस्तक दी। अरे भाई आ रहा हूं, एक मिनट तो दो यार, वो ऊंची आवाज में बोलते हुए उठा और अपनी लड़खड़ाते हुए कदमों को चेयर का सहारा लेकर संभाला। काफी पुरानी कुर्सी थी वो, बिल्कुल उसके अपार्टमेंट की तरह। थोड़ा सा संभालने के बाद वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और उस पर लगी हुई मैजिक आई से बाहर कौन है ये देखने की कोशिश की, पर वहां कोई नहीं था। अरे ये बेवकूफ बच्चे भी ना, पूरा दिन कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, रात को भी चैन से नहीं सोने देते, वो चिढ़कर बोला। पर जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, एक बार फिर से किसी ने दस्तक दी। अब उसका पारा सातवें आसमान पर था और वो एकदम से मुड़कर बिजली की तेजी से उसने दरवाजा खोल दिया। तुम्हारी माक, वो कुछ बोलने से पहले ही रुक गया क्योंकि बाहर कोई नहीं था। उसने दाएं बाएं देखा कि शायद कोई दिख जाए, पर पूरा फ्लोर खाली पड़ा था। उसने सोचा बाहर निकलकर देख लेता हूं, पर एक कदम लेते ही उसके पैरों से कुछ टकराया। उसने नीचे देखा तो दरवाजे के बाहर एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ डब्बा पड़ा हुआ था। ये क्या है, हैरानी के साथ उसने वो डब्बा उठाया और उसको गौर से देखा, फिर दाएं बाएं देखा, वहां पर अभी भी कोई नहीं था। उसने हल्के से दरवाजा बंद किया और उस डब्बे को लेकर अंदर चला गया। उस डब्बे को टेबल पर रख कर वो कुर्सी पर बैठा और उसको हैरानी भरी नजरों से देखने लगा। जलती बुझती उस टेबल लैंप की रोशनी उसको परेशान करने लगी थी तो उसने उसको बुझा दिया और डब्बे को हाथों में उठाकर गौर से देखा तो उसमें हिब्रू भाषा में कुछ शब्द और कुछ विचित्र निशान गढ़े हुए थे। नहीं भी तो ये कम से कम 1000 साल पुरानी लगती है, वो खुद से बोलते हुए उसे खोलने की कोशिश करने लगा। उस डब्बे में अजीब दिखने वाले छोटे छोटे ताले हर तरफ लगे थे। ऐसी चीज समीर ने न कभी देखी थी। ऐसा लगता था मानो जिसने भी ये बनाया था वो नहीं चाहता था कि कोई भी इसे खोले, या फिर हो सकता है वो चाहता था कि कोई विशेष व्यक्ति ही इसे खोल पाए। वो अभी डब्बे को खोलने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक से उसका हाथ डब्बे के नीचे की ओर बने हुए एक स्विच से टकराया और जैसे ही उसने उसको दबाया सारे ताले एक एक करके खुद ब खुद खुलने लगे। अरे वाह, ये तो मस्त है, समीर मुस्कुराते हुए बोला।
डब्बे में क्या हो सकता है, ये जानने के लिए वो काफ़ी उत्साहित था। उसे लगा हो सकता है कि किसी दोस्त ने उसे नए साल में कोई सरप्राइज गिफ्ट भेजा हो। डब्बे के अंदर जब उसने उसे खोल कर देखा तो उसे कुछ कागज़ के पन्ने मिले। उसने पहला पन्ना उठाया तो उस पर लिखा था, वो आएगी तुम्हारे लिए, वो हर तरफ है और आज रात तुम सदा के लिए उसके हो जाओगे। समीर ने उसको पढ़ा और पन्ने को टेबल पर रख दूसरा पन्ना निकाला। उस पर लिखा था, बारिश की बूंदें उसे नींद से जगाएंगी और जब चांद बादलों में छिपेगा तुम्हें उसके आने का एहसास होगा। ये क्या मजाक है यार, जहां चूहा नहीं आता वहां वो आएगी। अपना दिल का दरवाजा तो खुला है, आना हो तो आ जाए, समीर अपनी भौहें चढ़ाकर बोला। उसने उस पन्ने को मसल कर फेंका और एक सिगरेट जलाकर लंबी सिकश लेते हुए बोला, अब देखते हैं इस तीसरे पन्ने में क्या लिखा है। उसने वो पन्ना निकाला और पढ़ने लगा, वो जितना तुम्हारे करीब होगी उसकी आवाज़ उतनी ही दूर से आएगी और जितना तुमसे दूर होगी उसकी आवाज़ उतनी ही करीब से सुनाई देगी। अब समीर ने आखिरी पन्ना निकाला, उस पर लिखा था, अगर तुमने गुनाह ना किया होता तो हम उसे तुम्हारे लिए नहीं भेजते। ये पढ़कर समीर को खूब तेज हंसी आई। उसने आधा खाली पड़े विस्की के ग्लास को टेबल पर से उठाया और एक ही घूंट में पी गया। अभी ग्लास उसके हाथों में ही था कि उसे लगा कि किचन से उसे कुछ सुनाई दिया। उसने अपनी गर्दन घुमाई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने कुछ कहा, तुम भूल गए ना मुझे। उसे पूरे घर में किसी औरत के चलने का एहसास हो रहा था। ये क्या हो रहा है? समीर घबराते हुए किचन की ओर गया पर वहां तो कोई भी नहीं था। लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही पी लिया, समीर ने खुद को समझाते हुए कहा। कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं अपने घर में हूं, उसने किसी को चीख कर बोलते हुए सुना। समीर ने महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गई हैं और वो पूरा पसीने में नहाया हुआ है। वो जितना तुम्हारे करीब होगी उसकी आवाज़ उतनी ही दूर से आएगी और जितना तुमसे दूर होगी उसकी आवाज़ उतनी ही करीब से सुनाई देगी। अचानक से समीर को तीसरे पन्ने पर लिखी हुई बात याद आते ही उसके पैर कांपने लगे। वो अपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागा पर जहाँ दरवाजे को होना चाहिए था वहाँ अब एक दीवार के सिवाय और कुछ नहीं था। दरवाजा कहाँ गया? वो परेशान हुए तेज तेज उस दीवार पर अपने हाथ मारने लगा। अभी वो वहां से बाहर भागने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि उसे लगा पीछे से कोई गुजरा। भय से उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे अपने पूरे बदन में एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पिंजरे में बंद पंछी और उसके बीच कोई ज्यादा फर्क नहीं था, वो अपने ही घर में फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उसने वही किया जो कोई भी घबराया इंसान उस वक्त कर सकता था। वो तेजी से अपने बेडरूम के अंदर भागा और अंदर से उसको लॉक करके कांपती पैरों के साथ अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसने सोचा किसी दोस्त को फ़ोन करके मदद मांगे पर उसका मोबाइल भी दूसरे कमरे में कहीं छूट गया था। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से एक साथ आती है। उसका दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि उसे अपनी एक एक धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अपने चेहरे और सर से उसने अपने पसीना साफ किया और घुटनों में मुंह छुपाए
अंदर ही अंदर ऊपर वाले को याद करने लगा। शायद एक ही मिनट बीता होगा कि बेडरूम के दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। मुझे अंदर आने दो, हमने भी तो तुम्हें एक बार अंदर आने दिया था ना। उसके कानों में कोई फुसफुसाया। तुम जो भी हो चली जाओ यहां से, समीर घबराते हुए बोला और फूट फूट कर रोने लगा। चली जाओ, वो टूटी हुई आवाज में बोलते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगा और पूरे कमरे को देखने लगा कि शायद वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन वहां सिवाय एक पुराने बिस्तर के जिस पर वो बैठा था, उसे छोड़कर कोने में रखी अलमारी, फर्श पर बिखरे हुए कुछ पुराने गद्दे कपड़े, टेबल पर रखा हुआ एक लैपटॉप और खिड़की के पास एक स्टूल पर रखे लैंडलाइन के सिवा और कुछ नहीं था। वो उठा और लड़खड़ाते कदमों के साथ लैपटॉप के सामने वाली कुर्सी पर जाके बैठ गया। लैपटॉप को ऑन करके उसने इंटरनेट पर ओल्ड जूश बॉक्स सर्च किया। उसने एक ऑनलाइन आर्टिकल के लिंक पर क्लिक किया तो उस पर किसी डी बुक का जिक्र था। आर्टिकल पढ़ते ही भय से मानो उसकी सांसें अटक गई। उसके कमरे में जो भी थी उसको किसी ने एक अभिशाप के तौर पर भेजा था, एक ऐसी प्राचीन क्रिया जो उसे अकेला तो नहीं छोड़ने वाली थी। वो तुरंत कुर्सी से उठा और घबराते और बिलखते हुए ताज़ी हवा के लिए खिड़की की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर जो कोई भी उसका इंतज़ार कर रही थी उसके बारे में सोचकर ही उसके शरीर का सारा खून जम चुका था। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और चांद बादलों के पीछे पूरी तरह से ढका हुआ था। कुछ ही पलों में जैसे समीर की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना ना की थी। अगर तुमने गुनाह ना किया होता तो हम उसे तुम्हारे लिए नहीं भेजते। उस आखिरी पन्ने में जो लिखा था उसे सोचकर समीर को पिछले साल जुलाई महीने में घटी एक घटना याद आई। समीर अपने काम से ब्रेक लेकर शहर की भागदौड़ से बचने के लिए भारत के मध्य में बसे एक अनजान गांव में छुट्टियां मनाने गया था, जब अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो गई। बहुत खूबसूरत जगह थी वो, सुकून से भरी हुई अनछुई सी जगह थी, जिधर भी नजर जाती थी सिवाय सादगी के और कुछ नजर नहीं आता था, न वहां के वातावरण में और ना ही वहां के लोगों में। जब काफी देर तलाशने के बाद भी समीर को कोई मैकेनिक नहीं मिला तो वो रात बिताने के लिए किसी जगह की तलाश करने लगा, पर छोटे से उस गांव में ना कोई होटल था और ना ही कोई धर्मशाला। समीर लक्ष्यहीन यहां वहां भटक ही रहा था कि दूर से आती हुई एक पुरानी सी गाड़ी पर उसकी नजर गई। उसने झट से उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया इस उम्मीद में कि शायद उसे उस गाड़ी में किसी होटल या किसी जगह तक लिफ्ट मिल जाए जहां वो आज रात बिता सके। उसने सोचा कल सुबह वो किसी मैकेनिक को ढूंढ कर लाके गाड़ी बनवा लेगा। वो गाड़ी उसके पास आकर रुकी। अंदर एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी बैठा था। चेहरे पर पड़ी हुई बेहिसाब छुर्रियों को देख कर लगता था कि कम से कम 80 साल का होगा। चश्मों के पीछे छुपी आंखों के पर्दों पर पड़ी सफेदी को देख कर लगता था जैसे कुछ ही सालों में उसे दिखना ही बंद हो जाएगा। सर पर सिर्फ कुछ ही बाल बचे थे और उस पर पहने किप्पा को देखकर समीर को अंदाजा हो गया कि ये आदमी यहूदी धर्म से संबंध रखता है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं बेटा? उस बुढ़े आदमी ने दुर्बल सी आवाज में पूछा। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, नई जगह है और मैं पिछले एक घंटे से किसी मैकेनिक को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। रात भी होने को है, तो अगर आप मुझे रात बिताने के लिए किसी होटल या किसी धर्मशाला तक ड्रॉप कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती, समीर गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला। मैं यहीं पास में ही रहता हूं, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर आज की रात बिता सकती हो, उस बुढ़े आदमी ने मुस्कुराकर समीर से कहा। बहुत शुक्रिया आपका, मेरा नाम समीर है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। आप अगर मुझे बस किसी होटल या धर्मशाला तक छोड़ दें तो मैं मैनेज कर लूंगा।
समीर उस आदमी से हाथ मिलाते हुए बोला। ये बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ तुम्हें होटल नहीं मिलेगा, अंधेरा होने वाला है, गाड़ी में बैठ जाओ। उस बुढ़े आदमी ने थोड़ा सा खिसक कर बाईं ओर का दरवाजा खोला और समीर को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। समीर भी मुस्कुराकर अंदर बैठ गया। कहाँ से हो? आसपास से तो नहीं लगते। अपनी कमजोर नजर से सड़क पर ध्यान लगाते हुए उस बूढ़े ने पूछा। बदायूं से हूं, लेकिन अभी कुछ महीने पहले दिल्ली शिफ्ट हुआ हूं, राइटर बनना चाहता हूं, समीर ने जवाब दिया। खुद पर भरोसा रखोगे तो एक दिन जरूर बड़े राइटर बनोगे, बूढ़े ने समीर से कहा। आ गया घर, उस बूढ़े ने अपनी कांपते हाथों से इशारा करते हुए दिखाया। धीरे धीरे चलती वो गाड़ी बाईं ओर मुड़ते हुए कच्ची सड़क पर से गुजरते हुए एक घर के सामने जाके रुकी। घर काफी पुराना सा लग रहा था। बाहर रस्सी पर कुछ कपड़े सुखाने के लिए टंगे हुए थे और घर के बाहर झूले के पास एक पुरानी सी जंग लगी हुई साइकिल पड़ी थी, सालों से किसी ने ना चलाई वजह से। समीर ने देखा घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, 70 साल की रही होगी। अलीचा, मेरी बीवी, उस बूढ़े ने उसकी ओर इशारा करते हुए समीर से कहा। बहुत सुंदर है, समीर गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए बोला और अपना हाथ हिलाते हुए उस औरत को हेलो बोला। देखो तो अलीजा, आज हमारे घर पर मेहमान आया है, बूढ़ा धीरे धीरे अपनी बीवी की ओर बढ़ते हुए बोला। उसको देखकर लगता था कि उसको चलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। अलीजा ने उसके घर के बाहर बनी सीढ़ियों से चढ़ने में उसकी मदद की और उसे अंदर ले गई। अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो, बूढ़े ने समीर से कहा और अलीजा ने भी उसे अंदर चलने को कहा। समीर ने अपने हाथों और पैरों को थोड़ा सा आराम देने के लिए एक अंगड़ाई ली और उनके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। अंदर कमरे को देखकर लगता था कि वहां रहने वाले काफी धार्मिक थे। जगह जगह पर दीवारों पर भगवान की तस्वीरें और अन्य धार्मिक वस्तुएं रखी थी। बीच में एक सोफा और सेंट्रल टेबल रखा था। उसके अलावा एक पुराना सा टीवी और किताबों से भरी हुई बुकशेल्फ थी, जिस पर हिब्रू भाषा में लिखी हुई कई किताबें थी। आओ समीर, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, अलीजा ने मुस्कुराते हुए समीर से कहा। बाहर मैंने एक जंग लगी पुरानी साइकिल देखी, समीर ने जिज्ञासावश पूछा, क्योंकि घर में उसे कोई भी बच्चा नजर नहीं आया था। अरे वो मेरी पोती की साइकिल है, शहर में रहती है मेरी बेटी और दामाद के साथ, वो झूला भी हमने उसी के लिए लगाया है, जब कभी भी छुट्टियों में आती है तो खूब खेलती है। अलीजा की आवाज में एक ममता थी, जिसे सुनकर समीर को अपनी माँ की याद आ गई। सफेद रेशम से बाल, गहरी नीली आंखें और प्यारी सी मुस्कान। उम्र के लिहाज से उनके चेहरे पर कुछ खास झुर्रियां भी नहीं थी। अपने वक्त में यह बहुत सुंदर रही होंगी, समीर ने खुद से बोला, पर आवाज इतनी तेज थी कि अलीजा ने सुन लिया। यकीन से तो नहीं कह सकती, पर लोग ऐसा कहते हैं, अलीजा ने मुस्कुराकर समीर से कहा। समीर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उसने इतनी तेज बोला। अलीजा उसे ऊपर वाले कमरे में ले गई और दरवाजा खोलते हुए बोली, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, बाद में खाने पर मिलते हैं। छोटा सा कमरा था, पर एक इंसान के लिए काफी। खिड़की के पास एक बिस्तर लगा था और साथ में एक लाइट थी। बगल में एक स्टूल पर एक ग्रामोफोन रखा हुआ था और साथ में एक चेयर रखी हुई थी। ये जिसका भी कमरा था, देखकर लगता था कि उसे गाने सुनने का शौक है। समीर ने अपने जूते खोले और बिस्तर पर लेट गया। पूरा दिन चलने की वजह से वो काफी थक गया था, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही वो सो गया। बैठक खाने से लगे किचन में अलीजा रात के खाने के लिए कुछ सब्जियां और गोश्त काट रही थी और वह बूढ़ा आदमी अपनी शाम की पूजा अर्चना खत्म कर सोफे पर बैठे टीवी देख रहा था। समीर अच्छा लड़का है ना, अलीजा ने सब्जियां काटते हुए पूछा। हाँ, अच्छा हुआ मैं उसको मिल गया, वरना रात को इस अनजान जगह पर पता नहीं बेचारा क्या करता, उसने जवाब दिया।
मैं रात के लिए एक दाल सब्जी और गोश्त बना रही हूँ, अच्छा लगेगा उसको। अलीजा ने जवाब दिया। बूढ़ा टीवी देखते हुए बोला, क्या हुआ बोलो ना, खाने के मामले में बहुत नखरे करती है वो, आपको तो पता है। अरे हाँ बाबा, तुम्हें तो पता है उसको गोश्त कितना पसंद है। आप एक बार जाकर उसको देखो ना, सुबह से अकेली है, मुझे चिंता हो रही है। वो बूढ़ा धीरे से सोफे से उठा और सीढ़ी के नीचे बने हुए दरवाजे की ओर बढ़ा और अंदर चला गया। दरवाजे की सीढ़ियां नीचे बने एक गुप्त कमरे की ओर जाती थी। नीचे बने उस कमरे में एकदम घुप अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी लाइट थी जिससे कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी रहे। उस अंधेरे कमरे में किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। अनीता, आज माँ ने तुम्हारे लिए गोश्त पकाया है, उस बूढ़े ने कहा और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। थोड़ा सा उतरने पर एक औरत की परछाई नजर आने लगी। वो औरत अपने आप में कुछ बड़बड़ाते हुए कमरे में घूम रही थी। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास पहुंचा तो वो औरत दीवार की ओर मुंह किए खड़े थी। अनीता बेटे, मैं बाबा, उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो मुड़ी और बोली, बाबा मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, बस कुछ महीने और फिर हम तुम्हें शहर भेज देंगे, तुम्हारी बहन के पास। उस औरत ने काले कपड़े पहने हुए थे और सर पर कपड़ा बांध रखा था। 30-35 साल की रही होगी वो। नैन नक्श तो तीखे थे पर पूरा चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था मानो किसी ने तेजाब से उसे चला दिया हो। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसकी आंखें अलग अलग दिशा में देख सकती थी। उसकी दाहिनी आंख से उस बूढ़े आदमी को देख रही वो औरत बाईं आंख से कभी ऊपर तो कभी नीचे देखते हुए पूरे कमरे को टटोल रही थी। उसकी हालत देखकर लगता था कि नहीं भी तो कम से कम 6 महीने के गर्भ से थी। आओ चलो बैठे, थोड़ी देर में तुम्हारी माँ भी यहीं आ जाएगी, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कमरे के बीचों बीच रखी एक मेज के पास ले जाने लगा। दोनों उसकी बगल में लगे कुर्सियों पर बैठे और थोड़ी देर में अलीजा भी हाथों में प्लेट लिए सीढ़ियों से नीचे आ गई। उसने खाना रखा और बैठ गई, एक आंख से अपने बाबा को तो दूसरे से बाईं ओर बैठी अपनी माँ को देख अनीता बहुत खुश लग रही थी। उधर समीर एक झटके से उठ गया, पूरे का पूरा पसीने में नहाया हुआ। उसने एक बार फिर वही डरावना सपना देखा था जो बचपन से लेकर आज तक वो देखता आ रहा था। जब वो छोटा था तो अक्सर अपने भाई के साथ रेलवे ट्रैक्स पर जाकर खेला करता था। वहां दोनों भाई छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करते और आती जाती ट्रेनों पर फेंक कर मारते। ऐसे ही एक दिन दोनों रेलवे ट्रैक्स पर पत्थर फेंकते हुए टनल के अंदर दौड़ते, ये देखने के लिए कि ट्रेन के आने से पहले अगली तरफ कौन पहले पहुंचता है। उस दिन क्या हुआ था मालूम नहीं, पर शाम को लोगों को उसके भाई की लाश टनल के अंदर से बरामद हुई थी। मुझे माफ कर देना भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। उस घटना को याद करते हुए नम आंखों से समीर खुद से बोलते हुए बिस्तर से उठा और पास लगे हुए आईने के आगे जाके खुद की हालत ठीक करके नीचे जाने की सोची। वैसे भी उसे अब और नींद आने वाली तो थी नहीं। वो बैठक खाने में पहुंचा तो गर्म खाने की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया और उसने रसोई में जाके चुपके से गोश्त का टुकड़ा उठाकर खा लिया। सब कहाँ गए? उसको ना ही वो बूढ़ा आदमी नजर आ रहा था ना अलीजा, तो वो उन्हें ढूंढने लगा। वो घर के बाहर भी नहीं थे तो गए कहाँ? वापस अंदर आने पर उसको हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। वो उन आवाजों की ओर बढ़ा तो देखा सीढ़ियों के नीचे बने दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसने अपने कान दरवाजे पर रख कर सुनने की कोशिश की तो उसे बहुत साफ सुनाई दिया। थोड़ा सा और खा लो अनीता, बच्चे के लिए तुम्हारा खाना जरूरी है।
नीचे से उस बूढ़े आदमी की आवाज आ रही थी। कौन हो सकता है नीचे, यह सोचकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने अंदर झांकने के लिए हल्का सा दरवाजा खोला, पर उसे सिवाय अंधेरे के कुछ और नजर नहीं आया। उसने दरवाजे को थोड़ा सा और खोलने की कोशिश की तो उसे उस बूढ़े की आवाज सुनाई दी। अनीता बेटा, तुम अपनी मां के साथ यहीं रहो और अपना खाना खत्म करो, ठीक है? अलीजा, मैं समीर को एक बार देख कर आता हूं। समीर ने जल्दी से बिना आवाज किए दरवाजा बंद किया और चुपचाप वापस ऊपर वाले कमरे में चला गया। उसे पता था कि वो बूढ़े को ऊपर आने में वक्त लगेगा, तो उसने फटाफट से जूते उतारे और खुद बिस्तर पर लेट गया, मानो जैसे सोया हो। अभी तक सो रहे हो, उठ जाओ, खाना खाने का वक्त हो गया है, उस बूढ़े ने दरवाजा खोलते हुए कहा। वो उठा और उसके साथ नीचे जाके खाना खाने लगा, पर उसका ध्यान खाने पर कम और दरवाजे के पीछे कौन था उस पर ज्यादा था। रात के 2 बजे जब हर कोई खा के सो गया तो वो चुपचाप से नीचे आया और उस दरवाजे को धीरे से खोलकर उस गुप्त कमरे में चला गया। मोबाइल की रोशनी में उसको दीवार से सटे बिस्तर पर सोती हुई एक लड़की नजर आई। वो बिना शोर किए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। इतने में वो लड़की उठी और दौड़ते हुए एकदम से करीब आ गई। उसके बिगड़े हुए चेहरे और एक आंख से उसे देखती हुई और दूसरी आंख से पूरे कमरे का जायजा लेती उस लड़की को देख समीर के मुंह से चीख निकल गई और डर के मारे उसके हाथों से उसका मोबाइल एक झटके के साथ जमीन पर गिरा और उसके गिरते ही पूरे कमरे में एक बार फिर से घुप अंधेरा छा गया। मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसके कानों में हल्के से उस लड़की की आवाज सुनाई दी। समीर सिहर उठा और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इधर उधर चलते चलते उसका पैर किसी चीज से टकराया, शायद जमीन पर कोई सरिये का टुकड़ा पड़ा था। उसने उसे उठाया और किसी अंधे इंसान की छड़ी की तरह इस्तेमाल करते हुए बाहर का रास्ता ढूंढने लगा। उसे लगा उसके पीछे कोई है, तो उसने तेजी से उस सरिये को जैसे ही हवा में लहराया, कमरे में लगा बल्ब जल उठा। ये क्या कर दिया तुमने, बूढ़ा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला। उसके पीछे अलीजा भी थी। समीर ने नीचे देखा तो हर तरफ फर्श पर खून ही खून था। अनजाने में वो सरिया उस लड़की के सर पर जा लगा था, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो गई। समीर इतना डर गया कि बिना कुछ सोचे वो वहां से उस बूढ़े आदमी को और लीजा को धक्का देते हुए सीढ़ियों से ऊपर भागा। बूढ़ा और उसकी बीवी सीढ़ियों से नीचे गिरे और अलीजा का सर फर्श से टकराने की वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूटी और वो भी वहीं मर गई। पर वो बूढ़ा आदमी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जिंदा बच गया था। मेरी बेटी बीमार थी समीर, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी होगी। हमने तुम्हें आसरा दिया और तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया, वो बूढ़ा दुख और दर्द से कर्राते हुए बोला। समीर को रोते हुए दर्द से छटपटाते उस बूढ़े आदमी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पर वो नहीं रुका। बाबा, उस बूढ़े को अनीता की आवाज सुनाई दी। वो अभी भी जिंदा थी। वो किसी तरह खुद को घसीटते हुए उसके पास पहुंचा तो अनीता की सांसें उखड़ रही थी। मरती हुई अपनी बेटी को देख ना जाने कहां से उसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत आ गई कि वो उठा और अपनी बेटी के सर को अपनी गोद में रखकर बैठ गया। तू ठीक हो जाएगी, घबरा मत, तेरा बाबा है ना, उसने अपनी बेटी से कहा। पर उसे पता था कि वो मर रही थी और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उस रात उसने एक ऐसा फैसला किया जो दुनिया का कोई भी बाप शायद ही करता। उसने अपनी मरती हुई बेटी के जिस्म को किसी तरह घसीटते हुए कमरे के बीचों बीच लाया और कोने में पड़ी एक पुरानी सी संदूक में से कुछ सामान और एक किताब निकाल कर ले आया।
फिर उसने जमीन पर अनीता के इर्द गिर्द कुछ निशान बनाए। उसने पास में पड़ा चाकू उठाया और अपनी बेटी के पेट से उस अजन्मे बच्चे को निकालकर अपनी बेटी के बगल में रख दिया। अनीता अब बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। बस कुछ देर और बेटी, फिर सारा दर्द चला जाएगा, उसने सिसकते हुए अपनी बेटी से कहा। उसने अपनी बेटी को एक आखिरी बार देखा और उस चाकू से उसका गला रेत दिया और फिर उसने अपनी बेटी को एक अनुष्ठान करके उसकी रूह को एक लकड़ी के बने हुए छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया। अब वो एक डिबुक बन चुकी थी, एक ऐसी आत्मा जो तब तक नहीं रुकती जब तक वो उस कार्य को पूरा न कर ले जिसके लिए उसे बनाया गया था। उसी रात उसने अपनी पत्नी और उस अजन्मे बच्चे को नदी के पास दफन करके अपनी बेटी की लाश को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया जिससे उसका शरीर कभी ना मिल सके। समीर अब भी खिड़की के पास खड़ा पुरानी उन बातों को याद कर घबराया हुआ था कि अचानक से तेज बिजली की चमक में उसे घर के नीचे सड़क पार चंद पलों के लिए वो दिखा, सर पर किप्पा पहने हुए, बारिश में भीगा हुआ, उसे देखते हुए खड़ा वो बूढ़ा। इससे पहले कि समीर कुछ भी सोच पाता, स्टूल पर रखा लैंडलाइन बज पड़ा। समीर ने फोन उठाया तो किसी ने कहा, उस रात तुमने मेरी बेटी को मार दिया। वो कोई डायन नहीं थी, जन्म से उसकी आंखों में एक दुर्लभ बीमारी थी जिसके कारण उसकी आंखें अलग अलग दिशा में देख सकती थी। शहर से आए तुम्हारी ही तरह कुछ लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती की और फिर उसका पूरा चेहरा जला दिया। गांव के बाकी लोगों को कुछ बताए बिना हमने उसे नीचे उस कमरे में छुपा कर रखा था कि एक बार बच्चा हो जाए तो उसे दूर उसकी बहन के पास भेज देंगे, लेकिन तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया और आज रात मैं तुम्हें तुम्हारा किया लौटा दे आया हूं। अब वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और फिर फोन कट गया। समय का पहिया भी कि अजब घूमता है। उस रात समीर वहां से भागकर अंधेरों में गुम हो गया था और आज वो बूढ़ा अपनी लड़खड़ाती कदमों से चलते हुए उन्हीं अंधेरों में कहीं गुम हो गया। समीर जैसे पागल सा हो गया था। वो रोते रोते अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा और ऊपर वाले से मदद की गुहार लगाने लगा, पर आज रात शायद बारिश और बिजली के शोर में ऊपर वाला भी उसे नहीं सुन पा रहा था। एक के बाद एक उसके फ्लैट की सारी बत्तियां बुझने लगी। समीर, मुझे अंदर आने दो ना, किसी ने उसके कानों में एक बार फिर से फुसफुसाया। पूरा कमरा अंधेरे की आगोश में था और समीर को कुछ नजर नहीं आ रहा था। और फिर किसी ने चीख कर उसके कानों में कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो किसी की ठंडी सांसें और बालों को अपने कंधों पर महसूस कर रहा था। समीर ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और बिजली की चमक में उसे वो आंखें नजर आई। एक आंख उसे घूरती हुई और दूसरी ऊपर नीचे देखते हुई। लगता है आपके कमरे में भी कोई है, खोलना मत।